अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बावर्ची स्टाइल लखनऊ की शादियों में सर्व किया जाने वाला शाही मूंग दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत लाजवाब लगेगी। तो शाही मूंग दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन ले लिया है और मटन में डालेंगे ये मसाले। एक टीस्पून है नमक, एक टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून है हल्दी पाउडर, एक टीस्पून है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। कलर के लिए आधा टीस्पून है ये गरम मसाला पाउडर और दो टीस्पून है धनिया पाउडर। ये हम इसी में डाल देंगे। दो टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ये इसी में शामिल कर देंगे। और ये आधा कप दही, ये दही इसी में हम डाल देंगे। इंग्रेडिएंट सारी पड़ चुकी हैं और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे अपने हाथों से। और मैरिनेट करने के बाद इसको दो घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया सारे मसाले और अब इसको रख देंगे दो घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। मटन मैरिनेशन होने के लिए हमने रख दिया है। और यहाँ ले लिया है मैंने मूंग, मूंग है एक कप, मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। आप दिन में भी दो घंटे के लिए भिगा सकते हैं, भीग जाती है आराम से। यह कुछ डालेंगे हम यहाँ, एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, ये इसी में हम डाल देंगे। और यह है एक टीस्पून तेल। जब इसको बॉयल करेंगे तो ओवर कुक नहीं होगी दाल। और अब इसमें दाल की क्वांटिटी से ज़्यादा 4 गुना पानी डाल देंगे हम। और इसमें अब लगा देंगे लीड, 15 से 20 मिनट इसको कुक कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैंने एक कप दाल ली थी, 4 कप पानी डाला है इसमें। और अब इसमें लगा देंगे लीड, हाई फ्लेम पे एक उबाल आ जाएगी। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इसका प्रेशर खुद से रिलीज हो जाएगा, तब इसको चेक करेंगे। अब इधर हम बना लेंगे एक खुशबूदार मसाला शाही मूंग गोश्त में डालने के लिए। तो एक टीस्पून है ये धनिया साबुत, एक टीस्पून है सौंफ, एक टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, ये आधा टीस्पून है काली मिर्च, 4 से 5 इलायची, ये है दालचीनी के टुकड़े और ये है बड़ी इलायची, ये छोटा सा टुकड़ा है जायफल का और ये है एक टुकड़ा जावित्री का। ये हम सब मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए खुशबू वाला मसाला तैयार हो गया हमारा। हमने इसको फाइन पाउडर बना लिया है, इसको एक साइड रख देंगे। अब हमने यहाँ पे दूसरा प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल। हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये हम डालेंगे इसमें 3 तेज़पत्ता और इसमें डालेंगे ये 2 दरमियाने साइज का प्याज, मैंने काट लिया है, ये हम इसी में डाल देंगे। ये हमारी तैयारी हो रही है मटन पकाने की और इसको हम चलाएंगे और इसको हमको गुलाबी करना है। तो ये देखिए प्याज हमारी यहाँ गुलाबी हो गई है, ऐसे ही गुलाबी करना था हमको। और इसमें अब हम डाल देंगे मैरिनेटेड मटन जो हमने मैरिनेट करके रख दिया था, ये हम इसमें मटन डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे। हाई फ्लेम पे करके इसको हम अच्छे से भुनेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा शाही मूंग गोश्त बनके तैयार होगा। तो 10 मिनट के लिए हम खूब अच्छे से इसकी मटन की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मटन की अच्छे से भुनाई हो गई है, तेल भी हमारा सरफेस पे आ गया है और अब हम इसको गला लेंगे। तो इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी और इसमें लगा देंगे प्रेशर कुकर की लीड, 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम गला लेंगे। हाई फ्लेम पे कर देंगे, एक उबाल आ जाएगी, फिर इसको लो टू मीडियम पे कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और उधर देख लेते हैं अपनी दाल। अब इधर दाल हम देख लेते हैं, खुद से इसका प्रेशर रिलीज होने दिया है। ये देखिए दाल हमारी गल गई है। हैंड ब्लेंडर से इसको हम घोट लेंगे। आपके पास लकड़ी की भी अगर हो, मथनी जिसको कहते हैं, उससे भी आप घोट सकते हैं। दाल हमारी मथ गई है और अब इसको हम हटा देते हैं। फ्लेम को हाई पे कर देंगे, दाल बॉयल आ जाएगा दाल में। और उधर हम देख लेंगे अपना मटन, प्रेशर को खुद से रिलीज होने दिए। और ये देखिए इधर हम अपना मटन देख लेते हैं, मटन भी हमारा गल गया है। ये देखिए ये गल चुका है मटन। और मटन में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे, 100% कुक किया है मटन को।
अच्छी तरह सा गल गया है। दाल को हम मिक्स कर देंगे इसी में मटन में। दाल और मटन को हमने मिक्स कर लिया है और इस पॉइंट पर डालेंगे हम इसमें ये 6 से 7 टेबल स्पून है क्रीम, फ्रेश क्रीम। दूध की जमी हुई बालाई भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें मिक्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पे शाही मूंग दाल गोश्त बन रहा है तो इन सब चीज़ों का जाना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका शाही लुक आएगा। और इसमें हम डाल देंगे जो खुशबू वाला मसाला हमने पीस के रखा था, ये इसी में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम और खुशबू वाला मसाला पाउडर जो हमने पीसा था वो सब मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जितनी भी आपको रखना हो। तो पानी बॉयल करके डालिएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 1 कप दूध। शाही मूंग दाल गोश्त बन रहा है तो इसमें दूध, फ्रेश क्रीम ये सब जाना ही जाना है इसके अंदर। और इस पॉइंट पे आप इसका नमक मिर्च सब चेक कर लीजिएगा। शाही मूंग दाल गोश्त ये देखिए आप, इसकी ये कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसमें एक बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पे करके और मैं ऊपर से इसका ढक्कन ऐसे ही रख दूंगी और इसको अब धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए पक जाएगा तो इसकी खुशबू जो है इसी के अंदर जज्ब हो जाएगी मसालों की। तो 7 से 8 मिनट हो गया है, इसका ढक्कन अब हम हटा लेंगे। शाही मूंग दाल गोश्त की खुशबू, शाही खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम डाल देंगे कटा हरा धनिया या पुदीना जो भी आपके पास अवेलेबल है और इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्च कटी हुई। शाही मूंग दाल गोश्त अभी तैयार नहीं है, इसमें लगेगा एक शाही ज़बरदस्त तड़का। पैन में डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। ये देखिए ये है देसी घी और इसको गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे प्याज, मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये इसमें डाल देंगे। इसको पिंक होने देंगे, प्याज पिंक हो गई है और इसमें हम डाल देंगे काजू थोड़े से। मैंने मूंग गोश्त को डिश आउट कर लिया है और फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इस पॉइंट पर डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है। ये देखिए अब हम इसमें लगा देंगे तड़का, पोर कर देंगे इसी में। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप भी इस लाजवाब रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमेशा की तरह मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को भर भर के लाइक्स दें और सबके साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।